उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के साथ ही कांग्रेस को फारूक अब्दुल्ला का साथ भी मिला है। रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत भी यात्रा में शामिल हुए और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी यात्रा के स्वागत की तैयारियां कर रही है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तेज हमला किया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर तंज कसा इस सवाल के साथ कि जो अपने गठबंधन को जोड़ नहीं सके वो भला भारत को क्या जोड़ेंगे। देश के दिल दिल्ली से देश के सबसे बड़े सूबे में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के साथ ही राजनीतिक की वैचारिक गांठें खुलने लगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला बिना किसी शर्त के कांग्रेस की इस यात्रा का हिस्सा बन गए, इस संदेश के साथ कि देश जोड़ने के लिए जो भी चलेगा उसमें शामिल होना फर्ज है, पार्टी का नाम पूछना भी बेमानी है। फारूक साहब, आप भारत जोड़ो यात्रा में यूपी में शामिल हो रहे, ये बहुत बड़ी चीज है कि मैं इनके साथ आज यहाँ जुड़ गया। वैसे ये तो आ रहे हैं हमारी रियासत में, वहाँ भी जुड़ूंगा, मगर एक भारत को एक करने के लिए जो इनकी यात्रा है मैं उसके साथ हूँ कि हम सब एक रहें, एक तरह से तरक्की करें और भाईचारे में रहें, वही भारत है, ये गांधी का भारत है। लेकिन आपको लगता है जिस नफरत की बात हो रही है वो है? मैं समझता हूँ नफरत खत्म होगी, जब है अभी लोग है नफरत, उस नफरत को दूर ये करेगी, हम लोग करेंगे सब मिलके, भारत के लोग करेंगे नफरत को दूर। हालांकि यूपी की राजनीति के दोनों बड़े छत्रप अखिलेश यादव और मायावती ने राहुल गांधी की दावत को दरकिनार कर दिया, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन किसान आंदोलन के लिए चर्चित जाटलैंड में भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त स्वागत होने वाला है। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने बागपत और शामली में यात्रा के इस्तकबाल का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस इसे शुभ संकेत मान रही है। पार्टी के नेताओं को यकीन है कि यात्रा को मिल रहा जन समर्थन वोट में भी तब्दील होगा। सर, ये एक बड़ा मौका कांग्रेस के लिए, ऐसे में जबकि कांग्रेस की स्थिति न दिल्ली में न उत्तर प्रदेश में बहुत माकूल है। कैसी है देखिए ना, ये स्थिति कैसी है, तो सड़कों पे दिख ही रहा है कि हमारी स्थिति कैसी है, कितनी मजबूत है, लोगों में कैसी लगन है, वो सामने दिख रहा है बिल्कुल। और ये भीड़ देख करके कोई ये बात नहीं कह सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सक्सेसेस क्यों नहीं मिलती, और यही प्रश्न है कि ये भीड़ हमेशा वोट में तब्दील क्यों नहीं होती। होगी होगी, समय लगता है, पौधे को पानी देते हैं तो फल निकलने में समय लगता है। हालिया यूपी विधानसभा चुनाव में एकला चलो के नारे के साथ मैदान में उतरी कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रही भीड़ और सूबे में मिल रहे जन समर्थन ने कांग्रेसियों की उम्मीदों को नया आसमान दे दिया है। ये अलग बात है कि बीजेपी को इस यात्रा में भीड़ नहीं दिखती, उसे तो भारत जोड़ो यात्रा भी भारत तोड़ो यात्रा ही लग रही है। राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए, और मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्वाभाविक भी है, कि वो जिस प्रकार से केरल में बीफ पार्टी वालों के साथ, तो तमिलनाडु में भारत माता को अपवित्र मानने वालों के साथ, तो महाराष्ट्र में सावरकर जी के विरुद्ध, तो गुजरात के विरुद्ध जो लोग रहे थे ऐसी गांधीयंस विद गन कहने वालों के साथ रहेंगे, तो मानवीय बात है भ्रम तो बढ़ेगा ही। इसमें कोई राजनीतिक संदेश नहीं है, जाहिर सी बात है भारत जोड़ो एक ऐसा यज्ञ है जिसमें हम चाहते हैं कि सब शामिल हों, और मेरे को पूरा भरोसा है कि ये लोग भी शामिल होना चाहते हैं, कोई परोक्ष रूप से, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई पत्र लिखकर समर्थन दे रहा है, तो ये तो होना ही है, एक यज्ञ है सबके लिए, है यज्ञ पूरे एक एक भारतवासी के लिए है ये यज्ञ। हर जगह यात्रा बहुत ही कामयाब है और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, अब वो उत्तर प्रदेश में जा रहा है, मध्य प्रदेश होके आया है, सभी जगह जो कहा जाए कि जनता का सैलाब उमड़ पड़ा है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी तक रहेगी। बुधवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा बागपत से शुरू होगी और शामली तक जाएगी। 6 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी, जहां ये 10 जनवरी तक रहेगी। संजीव त्रिवेदी और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, गाजियाबाद, न्यूज 24।